दूसरा पॉइंट सर रहता है सीएससी का, अब तक 7652 सीएससी काम में कराया है काल करा के, कि आखिर चल रहा है कि वो नहीं चल रहा है, उसके कारण को जब एनालाइज किया है सर, एनालिसिस है इसकी। तो फॉर एग्जाम्पल देखे सर, आगरा में एतमादपुर ब्लॉक है, मुखरपुर गांव लिखा है कार्य अपूर्ण है, अमेठी का होगा, अमेठी अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर में क्या कारण है? कार्य अपूर्ण है, शौचालय निर्माणाधीन है, शीघ्र ही कार्य पूर्ण के लिए डीपीआरओ खुद आख्या है, डीपीआरओ से भी इसको क्रॉस चेक कराया, जो गांव की रिपोर्ट आई बात कर रहे तो डीपीआरओ भी कह रहे हैं कार्य अपूर्ण, वहां पे हैंडओवर हो चुका है, और केयरटेकर का नाम में पता है, उसका मोबाइल नंबर सब कुछ है, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो कार्य अपूर्ण है, इसलिए तो उनको क्या पेमेंट उन्होंने मैनुअली रोक रखा हो कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बताया जा रहा है कि नॉन फंक्शनल है, डीपीआर भी कंफर्म कर, नॉन फंक्शनल है तो उसको फंक्शनल करें ना, डीडी कौन है वहाँ का, ये सब देखेंगे ये लोग, चले ठीक अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो जितनी कमियां पाई गई हैं उन सभी कमियों को हम डिप्टी डायरेक्टर और डीपीआर के मेल पर आज भेज देंगे, कृपया इसे 15 दिन के अंदर पूरा करके अब चालू करा दीजिए, 7000 में आया है, 5 करीब 600 ये तो थर्ड पार्टी को भी करना था, बट ये अच्छा है आप कर रहे हैं यहाँ से, ये भी एक सेकंड लाइन ऑफ डिमांड है, तो ये कहना तो सर बाकी बात ठीक है। अब किसी डीपीआरओ साहबान को या डीडी साहब जो पैनल में है उनको कोई बात कहनी है तो स्वागत है, बता सकते हैं, पैनल में डीपीआरओ है, डीडी है, और भी कोई है? कई पंचायतों में बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया है, बहुत शौक से उसको फर्निश भी किया है, कई जगह लोगों ने उसमें अच्छे लाइब्रेरी भी सेटअप किए हैं, कई जगह लोगों ने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी उसमें सेटअप किया है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी गया हुआ था सोनभद्र मिर्जापुर के दौरे पे, तो मैंने देखा कि बहुत से जगह अभी ग्राम सचिवालय को ग्राम प्रधान और जो पंचायत सचिव है वो अपने हेडक्वार्टर के तौर पर नहीं मान रहे हैं और नहीं इस्तेमाल कर रहे। मैं सोनभद्र में जहाँ गया था वहाँ टेबल पे, डेस्क पे, कंप्यूटर पे, सब पे धूल जमा हुआ था, और कोई भी देख के बता सकता है कि यहाँ कोई नहीं आता है। ये जब